बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ आलिमन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ नबी, मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का आलम यह है कि सूरज की चमक में, सितारों की दमक में, समुंदरों के बहाव में, हवा की अदाओं में, माँ की ममता में, बाप की शफकत में, हज़रत ईसा की शफा में, हज़रत दाऊद की सदा में, हज़रत इब्राहीम की दुआ, जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ रहमत मुस्तफ़ा छलक रही थी, छलकती रहेगी और छलकती रही है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को शायर ने बड़े सोने अंदाज में बयान किया। वो क्या लिखता है कि जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफ़ा मिल गए, सबके दिल खिल गए, प्यार के इस करीने की क्या बात है। अर्श लहो कलम आसमानो जमीन, सब खुदा ने बनाए इसी अर्क से, खून का मर्तबा खून जाने मगर, मुस्तफ़ा के पसीने की क्या बात है। जो मरे उनके अज़कार भी मर गए, जो मरे उनके अज़कार भी मर गए, 1400 साल से है ये जिक्र नबी, सुबह महशर तलक है तेरी जिंदगी, मुस्तफ़ा तेरे जीने की क्या बात है। कश्तिये नूह में तो गुनाहगार थे, जानवर थे बशर थे खताकार थे, अंबिया औलिया गौसिया है जहां, मुस्तफ़ा के सफीने की क्या बात है। तेरे बच्चों का नौकर फरिश्ता भला, क्या पढ़ाए तुझे क्या सिखाए तेरे, तेरे सीने में दिल दिल में कुरान है, ए नबी तेरे सीने की क्या बात है। मदफने मुस्तफ़ा बन गई जो जमीन, उससे बेहतर कहाँ उसकी हमसर नहीं, आओ खिजरा के गुंबद से मिलकर कहें, तेरे अंदर दफीने की क्या बात है। जिक्र सरकार में रात दिन जागना, सीन और शीन की बामही ईद है, जिसमें हो जिक्र दोनों ही कुरान का, दोस्तों शबीने की क्या बात है। मेरा इदराक सिदरा तलक भी गया, शायर ने क्या सोने अंदाज में इस चीज को बयान किया है। कहता है, मेरा इदराक सिदरा तलक भी गया, मैंने शौकत सुनी किबरिया की सदा, किसकी सदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सदा, मैंने शौकत सुनी किबरिया की सदा, मैं खुदा अर्श पे रह रहा हूँ मगर, मुस्तफ़ा के मदीने की क्या बात है। जिस महीने में नाजिल हुए मुस्तफ़ा, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है।